स्वागत है दोस्तों हमारे चेक पॉइंट के लेक्चर नंबर 3 में। और पिछले लेक्चर्स में हमने बेसिक चेक पॉइंट पैकेट फ्लो आर्किटेक्चर एंड डिफरेंट टाइप के डिप्लॉयमेंट के बारे में जाना। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक लैब से, ताकि एक बार लैब हमारा सेटअप हो जाएगा तो हम जो चेक पॉइंट के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हैं, लाइक स्मार्ट डैशबोर्ड, स्मार्ट मॉनिटर, स्मार्ट ट्रैकर, नेट, वीपीएन एंड ऑल अदर थिंग्स, तो उनके बारे में समझेंगे। तो स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। ये हमारी लैब टोपोलॉजी है। हमारी लैब कुछ इस तरीके से बनेगी, तो मैं थोड़ा इसका बेसिक फंडामेंटल आइडिया दे देता हूँ। ओके, सो पेन, ओके, तो हियर आई गो टू सिलेक्ट दिस पेन। ओके, तो दोस्तों ये मेरा चेक पॉइंट का मैनेजमेंट सर्वर है। ये मेरा मैनेजमेंट है, ये मेरा सिक्योरिटी गेटवे इन्फोर्समेंट मॉड्यूल है, और ये काम जो हम करेंगे ये GNS पे करेंगे। तो एक साथ हम ना कई सारे काम करने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखेंगे हम। तो इस लैब को कवर करते करते हम पहली बात तो VMware पे काम करना सीख जाएंगे, और प्लस GNS3 पे भी काम करना हम सीख जाएंगे। तो कैसे GNS3 के साथ हम VM को कनेक्ट करते हैं एंड ऑल अदर थिंग्स। तो IP एड्रेस स्कीमा देखते हैं। पहले मैंने मैनेजमेंट सर्वर को IP दिया 192.168.1.1, अपने सिक्योरिटी गेटवे को IP दिया है 192.168.1.2, और अपने PC को मैं IP दूंगा 192.168.1.3। अब ये तीनों मैंने सेम सबनेट पे इसलिए रखे हैं ताकि मेरा 3 लेयर आर्किटेक्चर पूरा हो जाए, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और इन दोनों के बीच में एक सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन फर्स्ट इस्टेब्लिश होगा, और इन तीनों को मैंने किस में डाला है, VMnet 1 पे डाला है, VMware पे। तो अगर मैं तीनों को VMnet 1 पे डालूंगा और सेम सबनेट का रखूंगा तो इन तीनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड मैंने अपने फायरवॉल के दूसरे इंटरफेस को VMnet 2 पे डाला है VMware के, और उसको IP दिया है डिफरेंट, और सेम सबनेट का IP मैंने दिया है अपने राउटर को, ताकि मैं इसको एज ए PC यूज कर सकूं और आपको लैब दिखा सकूं। तो आई होप कि इतने में आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैं एक बार फिर से इरेज कर देता हूँ इसे। ओके, सो कोई डाउट तो नहीं। ओके, तो हम इसे करने जाते हैं। ओके, सो लैब टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी लैब को। ओके, सो दोस्तों ये मेरी VMware की लैब है, और ये मैंने VMware 12 point something, यानी वर्क स्टेशन 12 मैंने डाउनलोड किया हुआ है, और मैंने एक ISO इमेज चेक पॉइंट फायरवॉल की साइट से डाउनलोड किया है। अब वो कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वैसे मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं दिखा पाऊंगा, बट अभी मुझे याद आया जस्ट कि मुझे दिखाना चाहिए, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट पता तो चले कैसे चेक पॉइंट को IOS इमेज कैसे डाउनलोड होती है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए। यहाँ पे सिंपल टाइप कीजिए चेक पॉइंट अपग्रेड विजर्ड, एंटर कीजिए। अपग्रेड विजर्ड चेक पॉइंट सपोर्ट सेंटर ये आ गया, इस पे क्लिक कीजिए। ओके, सो अगर आप अपने बॉक्स को अपग्रेड करने जा रहे हैं तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए, जो कि मैं दिखाता हूँ। अगर आप अपग्रेड करने जा रहे हैं तो इसे सेलेक्ट करना, और अगर आप न्यू इंस्टॉल करने जा रहे हैं, फ्रेश इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं अपने बॉक्स को, तो इसे। तो हम क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, फ्रेश इंस्टॉलेशन, हमें कोई अपग्रेड नहीं करना। तो न्यू इंस्टॉलेशन, देन नेक्स्ट। यहाँ पे आपके दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट दिखाएगा कि आपको चेक पॉइंट का सिक्योरिटी गेटवे अपग्रेड करना है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर, गेटवे विद इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट यानी स्टैंड अलोन के लिए OS डाउनलोड करना है, या VSX के लिए, या मल्टी डोमेन MDS Provider 1 जो मैंने आपको बताया था। तो हम VM पे अपनी लैब करने जा रहे हैं, तो आइदर वी कैन डाउनलोड सिक्योरिटी गेटवे और मैनेजमेंट सर्वर, और ये स्टैंड अलोन।
तो एक काम करते हैं, हम सिक्योरिटी गेटवे डाउनलोड कर लेते हैं, हम इसे मैनेजमेंट भी बना सकते हैं और एज ए गेटवे भी यूज कर सकते हैं। हार्डवेयर अप्लायंस की बात करें तो ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है कि आपका हार्डवेयर कौन सा है, डेटा सेंटर सिक्योरिटी के लिए है या एंटरप्राइज, ये इनके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल आते हैं मार्केट में, पावर वन आता है, ओपन सर्वर आता है। तो हमारा जो यहाँ पे है वीएमवेयर, हमारा क्या है ओपन सर्वर है, तो हम ओपन सर्वर को सिलेक्ट करेंगे। हार्डवेयर अप्लायंस मॉडल हमारा ओपन सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम गाया करें या सिक्योर प्लेटफॉर्म या विंडोज सर्वर। और गाया के बारे में मैंने आपको बताया था, इप्सो प्लस स्प्लैट को मिला के गाया तैयार किया गया, और सिक्योर प्लेटफॉर्म हमारे चेक पॉइंट का खुद का अपना था, और मैंने इप्सो का बताया था कि मुझे देखने को नहीं मिला आज तक इप्सो, बट पहले इप्सो यूज होता था नोकिया के फायरवॉल में और उसको कंबाइन करके इन्होंने गाया बनाया। और विंडोज सर्वर की अगर हम बात करें तो कई कंपनीज में विंडोज 2008 और ये इस टाइप के सर्वर होते हैं, 2008, 2003, 2012। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेक पॉइंट विंडोज सर्वर इमेज डाउनलोड करके, चेक पॉइंट का विंडोज कंपेटेबल ओएस आता है उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं और विंडोज सर्वर को एज ए मैनेजमेंट हम बना लेते हैं या गेटवे बना लेते हैं। तो ये तो बाकी डेप्थ में हम पढ़ते रहेंगे, तो फिलहाल हम गाया डाउनलोड कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था कि डाउनलोडिंग के लिए R80 यहाँ पे दिखेगा नहीं, क्योंकि वो अभी स्टेबल वर्जन पे नहीं आया है। ओके, तो एक मिनट मैं पहले इसे ही ठीक कर लेता हूँ। ओके, तो वर्जन हम R77, ये 7, 10, 20, 30, ये R77 के अंदर ही आते हैं। जैसे R77 में कोई छोटा सा बग्स आ गया, लेट सपोज इसमें एक छोटा सा बग्स था कि VPN टनल, एक कमांड होती चेक पॉइंट में, उसको रन करके हमें ऐसे क्लियर करने पड़ते थे, तो बाद में उसको मॉडिफाइड करके R77.10 इन्होंने माइनर वर्जन लॉन्च किया R77.10। अगर मेजर वर्जन की बात करें तो R77 और उसका माइनर वर्जन R77.10, तो छोटा मोटा जो इम्प्रूवमेंट होता है वो उसको .1020 इस तौर पे निकालते हैं। तो हम इसमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, R77.10 डाउनलोड किया। ओके, देन नेक्स्ट। ओके, तो ये आ गया गेट फाइल्स, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। ओके, एंड देन यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, तो जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है मेरी। ये रहा डाउनलोडिंग आपकी, तो बहरहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हम ऐसे डाउनलोड करेंगे इसे। ओके, सो वापस अपने वीएमवेयर वर्क स्टेशन पर आ जाते हैं। तो इसमें वीएम के बारे में कुछ डिटेल देना चाहूँगा। यहाँ पे क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन ऑप्शन आता है, इसमें कि आपका जो लेटेस्ट ओएस आपने डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आपने पहले से ही कोई ओएस मतलब एक तरीके से कहा जाए कि रेडीमेड तैयार किया हुआ है, तो उसको ओपन करने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ओपन करके डायरेक्ट रन हो जाता है। तो जैसा कि मेरा फ्रेश ओएस मैंने डाउनलोड किया है, तो मुझे क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, सो मैंने क्लिक किया, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, टिपिकल और कस्टम। कस्टम में आप उसके मतलब कितनी आप रैम देना चाहते हो, कितना मेमोरी देना चाहते हो, ये वगैरह वगैरह आप दे सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप टिपिकल पे क्लिक करके, रिकमेंडेड किया हुआ है उस पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे ये पूछता है कि आप डिस्क यानी सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव से आप ओएस इंस्टॉल करना चाहते हैं या आप ISO इमेज जो आपने डाउनलोड किया उसे सिलेक्ट करना चाहते हो या आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, ये ऑप्शन। तो हम सेलेक्ट करेंगे इसे, इंस्टॉलर डिस्क इमेज फाइल ISO, ब्राउज में क्लिक करो। ये दोस्तों मैंने डाउनलोड किया था ऑपरेटिंग सिस्टम अपना, इसको मैं ओपन करता हूँ एंड देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करने को आता है, तो जो हमारा गाया है वो रन होता है लिनक्स पे, तो हम लिनक्स को सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे अदर नोवेल नेटवेयर सोलरिस वीएमवेयर इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारा हमें पता है हमारा लिनक्स पे वर्क करता है चेक पॉइंट, तो हम लिनक्स सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे रेड हैट 5 लिनक्स के काफी फ्लेवर हैं, 7, 6, 5, 3, तो हम 5 या 3 कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, तो 5 कर लेते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे इसको इसके अकॉर्डिंग नाम देंगे हम, क्या दिया था। ये हमारा मैनेजमेंट सर्वर है, ये गेटवे। तो हम पहले मैनेजमेंट सर्वर को तैयार कर लेते हैं और इसको हम नाम देते हैं, इसको हम नाम देंगे नाम नाम नाम, इसको हम नाम देंगे MGMT। तो मैं लैब में वापस आता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ MGMT। तो ब्राउज करके मैं इसको अपनी एक लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ पे कि CCSA के अंदर जाता हूँ। CCSA के अंदर मैं मैनेजमेंट नाम से ये बना दिया है। नेक्स्ट, अब ये बोल रहा है स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल और स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल। इसका मतलब होता है कि अगर मैं मल्टीपल को सिलेक्ट करता हूँ तो जिस डायरेक्टरी को मैंने सेलेक्ट किया है इंस्टॉलेशन के लिए, वो वहां पे काफी फाइल्स क्रिएट कर देगा, यानी उन्हें बिखेर देगा अपनी छोटी छोटी फाइल्स को। तो मैं नहीं चाहता कि वो बिखरे, मैं चाहता हूँ कि वो एक फोल्डर के अंदर कलेक्ट हो जाए। तो मैं स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल करूंगा एंड एक नेट पैक। मैक्सिमम साइज मैनेजमेंट को मैं दे देता हूँ यहाँ पे 40 GB। देन नेक्स्ट, कस्टमाइज हार्डवेयर में जाते हैं तो रैम मैं इसको दे देता हूँ 1.5 GB। हाँ, चेक पॉइंट OS अगर आप अपने लैपटॉप पे लैप कर रहे हो तो मिनिमम रैम इसकी 4 GB चाहिए, और मैक्सिमम आप जितना भी दे सकते हो उतना बेटर है। एंड देन फिनिश। अब मैं इसे पावर ऑन करता हूँ। एंड देन ये पूछ रहा है गाया। तो दोस्तों यहाँ पे इसने पूछा है वेलकम टू चेक पॉइंट गाया R77.10, इंस्टॉल गाया ऑन दिस सिस्टम या डू नॉट इंस्टॉल गाया, बूट फ्रॉम लोकल ड्राइव। तो लोकल ड्राइव तो है नहीं हमारे पास, तो मैंने अपने PC में ही इसको इंस्टॉल करना होगा। तो मैं इंस्टॉल गाया ऑन दिस सिस्टम करूंगा एंड देन एंटर। मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ, जहां पे जरूरत होगी मैं वहां पे रिज्यूम कर दूंगा। तो ये स्टार्टिंग इंस्टॉलेशन प्रोसेस आ गया है यहाँ पे। लोडिंग एट ये, चलो मैं इसे रिज्यूम नहीं करता हूँ, हम म्यूजिक सुन लेते हैं तब तक साथ में। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है डू यू विश टू प्रोसीड विद द इंस्टॉलेशन। तो इसको हम करेंगे ओके। अगर आप मशीन इन्फो देखना चाहते हो तो मशीन इन्फो जाके आप देख सकते हो कि ये किस डायरेक्टरी में से इंस्टॉल करेगा और वगैरह वगैरह। तो हम क्या करते हैं इसको ओके। हमें डीबग नहीं करना है। तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है एंड
अरे मिस्टर श्याम, हाल है आपके? बढ़िया। सुबह ही शक में? वेलकम बैक दोस्तों। एक्चुअली मैंने ये वीडियो कुछ देर के लिए पॉज कर दिया था, तो ये हमारे सामने स्क्रीन आती है, हमें चूज करना होता कि हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे यूएस चूज कर लेता हूँ। ओके, एंड देन ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है कि आप का कितना स्पेस कौन सा ड्राइव लेगा। सिस्टम स्वैप 3 डिस्क और 7% लेगा। सिस्टम रूट के लिए ये 15% स्पेस कंज्यूम करेगा। अपग्रेड एंड बैकअप के लिए 71 एंड लॉक्स के लिए ये 5% स्पेस आपका कंज्यूम करेगा। तो ये 362 और 28 जो है ये आपका स्पेस है जीबी में। तो 3GB, 6GB, 2GB एंड 28GB, तो इस तरीके से। तो नेक्स्ट करते हैं। ओके, सो ये पासवर्ड पूछ रहा है एडमिन अकाउंट के लिए, जो कि बाय डिफॉल्ट आपका एडमिन रहता है। तो हम पासवर्ड डाल देते हैं admin@123. ओके, सो ये जो मैनेजमेंट इंटरफेस होता है, जो कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था, एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट होता है, तो उसका आईपी पूछ रहा है। तो हम मैनेजमेंट इंटरफेस किसी भी इंटरफेस को बना सकते हैं। तो अगर हम डायग्राम की बात करते हैं अपने, तो हमने क्या सिलेक्ट किया था मैनेजमेंट के लिए आईपी 192.168.1.1। ओके, तो मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखता भी रहे। ओके, तो ये आईपी हमें कॉन्फ़िगर करना है यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए। तो ओके, देन ये ओके, सो 1.1 है और 1.1 ठीक है, सबनेट। ये डिफॉल्ट गेटवे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं अभी। ओके, देन ओके, डिफॉल्ट गेटवे ऑटोमेटिकली 254 ले लिया, कोई बात नहीं, हम इसे बाद में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लेंगे। देन ओके ओके, आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू? ओके, सो इट विल टेक सम टाइम्स, तो थोड़ा वक्त लगेगा इंस्टॉलेशन पे। तो ओके, तो मैं कुछ देर के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ। ओके, सो हमारा 86% ये हो चुका है। ओके, सो ये अपने कंपोनेंट्स को इंस्टॉल कर रहा है जो हमारे पैकेज में है, आई इमेज में। सो दोस्तों ये 99% एंड ये 100% हो चुका है इंस्टॉलेशन। तो थोड़ा टाइम लगता है इंस्टॉलेशन में, और अब ये कॉपी कर रहा है फाइल्स को। चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर ब्लेड, जो आपके गेटवे, आईपीएस, आईडीएस और आपका एंटीवायरस, एंटी स्पैम, डीएलपी, जो भी अदर ब्लेड्स होती हैं, उन्हें अब ये कॉपी करेगा। तो मैं पॉज कर लेता हूँ कुछ और देर के लिए। ओके, सो फाइनली सारा कुछ होने के बाद ये एक रिबूट के लिए हमसे पूछ रहा है, तो हम इसे रिबूट करते हैं। ओके, एंड देन सी, ये आपका सिस्टम रिबूट हो रहा है। ओह, केस स्टार्टेड नॉर्मल मोड। ओके, सो आपका सिस्टम स्टार्ट हो रहा है।
ओके सो फाइनली रिबूट होने के बाद ये लॉगिन क्रेडेंशियल के लिए पूछ रहा है, तो हमारा लॉगिन था एडमिन यूजर नेम एंड पासवर्ड हमारा admin@123। सो ये आ गया, तो ये आपका दोस्तों CLI आ गया। तो अब इसमें हमें क्या करना है, हमें अपना सेटअप पूरा करना है, तो मैं पहले सेटअप एक बार फिर से देख लूं। ओके मिनिमाइज हो जा। ओके सो ये आईपी हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है, मैं पेन ओके सो ये आईपी मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है, और ये इंटरफेस हमें मैनेजमेंट के लिए केवल एक इंटरफेस की जरूरत है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सी हियर, ये हमारा इंटरफेस दिखा रहा है यहाँ पे बॉटम में राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं। तो ओके सो चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने इसे VMnet 1 पे ऐड करना है। तो पहले मैं इतना सेटअप तैयार कर लेता हूँ, इतना सेटअप तैयार करने के बाद मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ। तो फर्स्ट हमें ये कॉन्फ़िगर करना है, सेकेंड हमें ये करना है। तो इसमें जो है इंस्टॉलेशन हमारा हो चुका है, इंस्टॉलेशन हो चुका है, हमें VMnet 1 पे ऐड करना है इसे VMware पे, और हमें अपने PC को VMnet 1 पे जब हम नेटवर्क एडेप्टर में जाएंगे VMnet 1 पे हमें IP डालना है ये वाला। तो ये काम करते हैं, बाकी ये जो लैब है इतना पार्ट ये हम लैब सेकेंड जो नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो क्योंकि अगर मैं इसी लेक्चर में सब करने लगा तो ये लेक्चर लेंदी हो जाएगा, तो मैं बेसिक से चलना चाहता हूँ ताकि कुछ भी मिस ना हो और आप लोगों को इजीली कॉन्फ़िगरेशन करने में मजा आए। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं चेक पॉइंट की लैब VMware पे कर रहा था आज से करीब 2.5 साल पहले, तो मैं स्टक हुआ था इन चीजों में, तो मैं नहीं चाहता कि आप भी इन चीजों में स्टक हो। तो धीरे धीरे चलते हैं आगे। ओके सो सबसे पहले मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं नेटवर्क एडेप्टर नेट, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद सेटिंग आएगा, सेटिंग पे क्लिक करो। ओके सेटिंग पे ये आ रहा है नेटवर्क एडेप्टर नेट दिखा रहा है, हमें क्या करना है इसको यहाँ पे कस्टम पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं ताकि आप लोगों को कुछ भी मिस ना हो। यहाँ पे ये ऑप्शन आता है कि आप इसे ब्रिज इस नेटवर्क एडेप्टर को ब्रिज करना चाहते हो या नेट करना चाहते हो या होस्ट ऑनली करना चाहते हो या कस्टम या लाइन सेगमेंट पे डालना चाहते हो। तो हमें इसे क्या करना है दोस्तों, हमें इसे VMnet 1 पे ऐड करना है। तो ये काम करते हैं क्विकली। ओके सो मैंने क्लिक किया कस्टम स्पेसिफिक वर्चुअल नेटवर्क पे, मैं नीचे गया और मैंने इसको VMnet 1 पे ऐड कर दिया और इसको मैंने ओके कर दिया एंड देन ये अप्लाई हो गया। तो अगर डायग्राम की बात करें तो ये हो चुका है, अब ये पार्ट करते हैं कॉन्फ़िगर। तो चलते हैं अपनी दुनिया में। यहाँ पे मैं गया, राइट क्लिक करना, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। लगता है मेरे लैपटॉप की रैम थोड़ी कम हो गई है। ओके देन चेंज एडेप्टर सेटिंग, यहाँ पे VMnet 1 कहाँ पे ये रहा, इसमें राइट क्लिक प्रॉपर्टीज। ओके मैं ये डिलीट कर देता हूँ कुछ चीजें। ओके सो देन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 डबल क्लिक, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, हमें क्या आईपी एड्रेस डालना है इसमें 192.168.1.3 ये वाला, तो डालते हैं इसे। ओके सो आईपी एड्रेस 192.168.1.3, सबनेट मास्क डिफॉल्ट ले लिया है। ओके डिफॉल्ट गेटवे हम क्या डाल सकते हैं, कुछ भी अभी डिफॉल्ट गेटवे रहने देते हैं क्योंकि सेम VMnet 1 पे ही है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके सो ओके ओके इट विल टेक सम टाइम।
ओके सो ये हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है, अगर एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लें तो ओके ये हो चुका है हमारा, ठीक है ओके। एंड देन सो हमने अपने पीसी का IPVM नेट 1 पे कॉन्फ़िगर कर दिया है, अब चेक करते हैं कि क्या ये रियली काम करता है। तो हम CMD में जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे पिंग करते हैं अपने मैनेजमेंट सर्वर को। अभी वो मैनेजमेंट भी नहीं है ना सिक्योरिटी गेटवे है, बस कनेक्टिविटी चेक करते हैं 192.168.1.1 हमने दिया था एंटर ओके। तो ये हमारा रिस्पांस आ रहा है फायरवॉल से जो हमने इंस्टॉल किया VMware पे इससे ओके। सो हमारा कितना पोर्शन रेडी हो चुका है, हमारा 80% तो दोस्तों हम इस पोर्शन को अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों अभी हमने आधा लैब किया है, क्योंकि अगर पूरा लैब में सेटअप यहाँ पे दिखाऊं तो काफी लेंथी हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा पूरा लैब कंप्लीट होने के लिए, तो नॉट एन इश्यू। सो धन्यवाद, जल्दी आपको नेक्स्ट लैब का हमारा लेक्चर वीडियोस जो है आपको मिल जाएगा। थैंक यू।